सैल्यूट टेक इन्फो, स्वागत है दोस्तों आपको मेरे चैनल पे। जैसे कि आप देख पा ही रहे होंगे कि मोबाइल फील्ड में मैं बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ, इसी हिसाब से मेरे एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको जो भी सजेशन दूंगा तो वो जो मैं मेरे खुद के कस्टमर्स को देता हूँ उसी हिसाब से आपको दूंगा। तो सजेशन इस वीडियो के आखिर में है, तो उसको जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे लिस्ट में जो पहला मोबाइल है 10,000 के अंदर, जो कि आपको फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन में मिल जाएगा आसानी से, वो है नोकिया 6.1 प्लस, जिसका मेन फीचर्स अगर मैं आपको बताऊँ तो इसमें आपको 4GB का रैम मिलेगा, साथ में 64GB तक का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, जिसको आप 400GB तक एक्सपेंड कर पाएंगे। इसका डिस्प्ले साइज़ होगा आपका 5.8 इंच। इसमें रियर में डुअल कैमरा है 16 एंड 5 मेगापिक्सल का, फ्रंट में आपका 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, साथ में 3060 mAh का बैटरी रहेगा और प्रोसेसर रहेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 का, जो कि ऑक्टा कोर का स्पीड है। तो ये तो गया इसका मेन फीचर। साथ ही साथ इसमें आपको जो डिस्प्ले मिलेगा वो आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा, और इसका जो सिम स्लॉट है वो आपका हाइब्रिड सिम स्लॉट होगा। साथ में इसमें फिंगरप्रिंट रीडर और गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन होगा। तो ये था हमारा लिस्ट का पहला मोबाइल। चलिए बढ़ते हैं दूसरे मोबाइल की तरफ। ये है आपका, तो ये आपका होगा ऑनर का ऑनर 9 लाइट। जैसे कि आप जानते हैं ऑनर एक बहुत बड़ा कंपनी है, जिसका मेन फीचर्स अगर देखा जाए तो इसमें भी आपका 4GB का रैम रहेगा, 64GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, जिसका 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। साथ में इसका डिस्प्ले साइज़ होगा 5.65 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले, फुल HD प्लस डिस्प्ले, और कैमरा रहेगा फ्रंट और बैक दोनों में ही डुअल कैमरा रहेगा। आपका रियर कैमरा देखेंगे तो ये आपका 13+2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा, और फ्रंट में 13+2 मेगापिक्सल का ही है, जो कि आपका डुअल फ्रंट कैमरा। साथ में इसमें आपको बैटरी रहेगा 3000 mAh का, और आपका इसका जो मेन फीचर्स अगर देखा जाए, इसका जो हाइलाइटेड ऑप्शंस है वो आपका जो है इसका इसका दोनों तरफ में आपका डुअल कैमरा है फ्रंट में और बैक में, और इसका जो स्लॉट है हाइब्रिड स्लॉट है, साथ में फिंगरप्रिंट सपोर्टेड है, और आपका इसमें प्रोसेसर रहेगा किरिन 659 का। ये फुल HD रेजोल्यूशन में आपका वीडियो जो रिकॉर्डिंग है ये वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे लिस्ट में तीसरे मोबाइल की तरफ। ये आपका Realme 5i। तो Realme भी एक बहुत बढ़िया कंपनी है, जिनका फ़ोन जो है अभी बहुत चल रहा है, जिसमें आपको मेन फीचर्स इसमें मिल जा रहा है 4GB का रैम मिल जा रहा है, 64GB का इंटरनल स्टोरेज, और साथ में आपका डिस्प्ले साइज़ आएगा 6.52 इंचेस का, जो कि बहुत ही बड़ा और लार्ज और क्रिस्प डिस्प्ले है, जो कि आपका HD प्लस डिस्प्ले है। साथ में इसमें कैमरा का तरफ आए तो कैमरा इसमें रियर में 4 कैमरा है, मतलब क्वाड कैमरा है इसमें, 12 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल और दोनों कैमरा 2-2 मेगापिक्सल का, टोटल 4 जो है कैमराज रियर में है, और फ्रंट में आपका 8 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा मिल जाएगा। इसमें बैटरी रहेगा 5000 mAh का, और इसका प्रोसेसर रहेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 का, और इसमें जो मेन फीचर्स है अगर देखा जाए तो इसमें रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब इस फ़ोन से आप दूसरे फ़ोन को जो है चार्ज कर सकते हैं। साथ में इसका डिज़ाइन पार्ट देखा जाए तो सनशाइन डिज़ाइन, बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है, और कैमरा का पार्ट देखा जाए तो इसमें फोर कैमरा है, जो कि कैमरा जो लोग पसंद करते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया फ़ोन रहेगा। साथ में इसमें एंड्रॉयड पाई जो लेटेस्ट वर्जन है, एंड्रॉयड पाई मिलेगा आपको, और इसमें आपका फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा। साथ में इसका जो मेन पार्ट है वो बैटरी का, इसमें आपको 5000 mAh का लॉन्ग बैटरी लाइफ मिलेगा, जो कि गेमर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। चलिए बढ़ते हैं हमारे चौथे मोबाइल की तरफ। ये चौथा मोबाइल रहेगा आपका मोटोरोला की तरफ से, मोटोरोला G7 पावर। नाम से ही आपको पता चल गया होगा, क्योंकि इसमें जो बैटरी रहेगा ये आपका 5000 mAh का रहेगा, साथ में इसमें आपको 4GB का रैम मिल जाएगा, 64GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, जो कि एक्सपेंडेबल है 512GB तक।
साथ में इसमें कैमरा रहेगा 12 मेगापिक्सल का, बैक कैमरा रहेगा फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा रहेगा, और इसका प्रोसेसर होगा क्वालकम स्नैपड्रैगन का 632 प्रोसेसर, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है क्वालकम स्नैपड्रैगन का 632। तो इसमें ख़ास बात यह है कि इसका जो डिज़ाइन है लुक्स वाइज है बहुत ही बढ़िया फ़ोन है, क्योंकि मोटोरोला का ये नॉच डिस्प्ले वाला फ़ोन है तो बढ़िया लुक्स है। इसमें GPU रहेगा एड्रीनो 506 की, जो कि गेमर्स के लिए जो लोग गेमिंग ओरिएंटेड है उनके लिए अच्छा है। साथ में इसमें एंड्रॉयड पाई का वर्शन रहेगा OS, और बस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 632 का प्रोसेसर जो कि ऑक्टा कोर में रहेगा 1.8 GHz क्लॉक स्पीड के साथ। साथ में इसमें आपको मिल जाएगा 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, जिसमें आपको मेन जो फीचर्स रहेगा इसका, इसमें आप स्लो मोशन वीडियो, टाइम लैप्स वीडियो, हाइपर लैप्स वीडियो, ये सब आप इसमें रिकॉर्डिंग कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। चलिए बढ़ते हैं हमारे लिस्ट में पांचवी और आखिरी मोबाइल की तरफ। ये आपका रहेगा MI 7। जी हाँ, रेडमी का नोट 7 जो कि मेरे लिस्ट में आखिरी मोबाइल है, जिसमें आपको 4GB का रैम मिल जाएगा, 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगा जो कि एक्सपेंडेबल है 256GB तक। इसमें आपको 6.3 इंच का लार्ज फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाएगा, जी हाँ फुल HD प्लस। इसमें रियर कैमरा आपका डुअल रियर कैमरा मिलेगा जो कि 12 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का रहेगा। साथ में इसमें फ्रंट कैमरा 13 मेगापिक्सल का रहेगा। बैटरी आएगा लार्ज बैटरी 4000 mAh का, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 660 का AI प्रोसेसर रहेगा इसमें, और ये स्प्लैश प्रूफ आएगा, ठीक है। साथ में इसमें आपका क्विक चार्जिंग सपोर्ट है, और इसका अगर मेन फीचर्स मतलब हाइलाइटेड फीचर्स देखा जाए तो इसका मेन है आपका यूनिक बॉडी डिज़ाइन, कलर्स जो कि बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स है इसका। साथ में इसमें जो है आपका 409 का PPI जो है पिक्सल पर इंच, मतलब PPI डेंसिटी जो है 409 का मिलेगा, जो कि बहुत ही एक अच्छा डिस्प्ले का जो है लुक्स देता है। साथ में इसमें जो है 2.5D का ग्लास जो बैक है, बैक साइड का वो 2.5D का ग्लास बैक है जो कि बहुत ही रिच लुक देता है फ़ोन को। साथ में इसको 4000 mAh का बैटरी आएगा, और ये जो है फ़ोन गेमिंग के लिए या बहुत देर तक मूवीज़ और वीडियोस देखने के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। साथ में इसका फुल HD प्लस का डिस्प्ले जो है मूवीज़ के लिए और गेमिंग के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, और इसमें जो है एड्रीनो 512 का GPU रहेगा जो कि गेमिंग के लिए ज़बरदस्त है। तो ये था मेरे लिस्ट में जो टॉप 5 मोबाइल्स है, वो जो कि 10,000 के अंदर अभी तक का बेस्ट मोबाइल्स है। तो मेरे हिसाब से इनमें से अगर आपको ब्रांड फैसिनेशन है तो आप नोकिया 6.1 पास लीजिए, बहुत ही बढ़िया फ़ोन है। अगर आपको ब्रांड फैसिनेशन नहीं है तो मेरा जो बेस्ट मानना है, मेरा जो जिन मोबाइल को मैं बेस्ट मानता हूँ इनमें से, वो है आपका रियलमी 5i ले सकते हैं आप, जिसमें आपका अगर आप कैमरा ओरिएंटेड है, ज़्यादा फ़ोटोज़ खींचना पसंद करते हैं, इसमें आपका रियर में क्वाड कैमरा मिल जाएगा जो कि एक बहुत बढ़िया चीज़ है। साथ में आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्शन मिल जाएगा, और बैटरी भी बहुत बढ़िया 5000 mAh का बैटरी मिल जा रहा है इसमें। साथ में डिज़ाइंस और लुक्स वाइज भी बहुत ही बढ़िया रहेगा। या फिर मेरे हिसाब से आप दूसरा जो फ़ोन है जो कि मुझे बेस्ट लगा, वो आपका जो है रेडमी नोट 7 भी आप ले सकते हैं, जिसमें आप बढ़िया प्रोसेसर मिलेगा जो कि आपका क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का रहेगा, और साथ में आपका बढ़िया आपको इसमें GPU मिल जाएगा गेमिंग के लिए जो कि एड्रीनो 512 का रहेगा। ये फुल HD प्लस का डिस्प्ले रहेगा, साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का फ्रंट और बैक में सपोर्ट रहेगा, और सबसे बढ़िया बात इसका लुक्स और डिज़ाइन भी बहुत बढ़िया रहेगा, एंड्रॉयड पाई के ऊपर ये रहेगा, और इसका जो प्रोसेसर मैंने बताया क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 660 AI जो कि बहुत बढ़िया स्पीड देगा और बहुत ही क्वालिटी चलेगा, जो है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी स्पीड देगा अगर हम मल्टीटास्किंग करते हैं और या फिर ज़्यादा यूज़ करते हैं फ़ोन को। तो ये था टॉप 5 मोबाइल 10,000 के अंदर जो कि आपको आसानी से फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन में मिल जाएगा। और अगर आपको अभी फ़ोन लेना है तो मैं कहूँगा थोड़ा दिन रुक जाइए, क्योंकि कोरोना के वजह से अभी रेट जो है कभी फ्लैक्चुएट कर रहा है, या आपको आसानी से मेरे बताया गया जो रेट है 10,000 के अंदर।
अगर आपको इससे कम प्राइस का मोबाइल चाहिए तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो कि 5000 के अंडर बेस्ट मोबाइल, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा है आपको तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।